Good morning, students. Welcome to my class. How are you? Yes, first class. Take out your math book. Unit 8, addition and subtraction. And page number 119. Question number 14. Yes, look at the book. Word problems. Okay, addition ki word problem aap kar chuke hain. Ab aapke subtraction ki word problem. Page number 119. Question number 14. यस बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर बी है देयर वर 46 एनिमल्स इन द जू यहां फिनिश हो गया इट मींस फर्स्ट लाइन फिनिश तो क्या बनेंगे नंबर ऑफ एनिमल्स इन द जू फर्स्ट लाइन बनेगी इसकी नंबर ऑफ एनिमल्स इन द जू कितने हैं 46 क्लियर सेकंड लाइन क्या है इसके लिए करिए 29 रेन अवे रेन अवे मीन्स भाग गए जू में से भाग गए तो नंबर ऑफ एनिमल्स रेन अवे कितने 29 अब थर्ड लाइन करेंगे हाउ मेनी आर लेफ्ट नंबर ऑफ एनिमल्स आर लेफ्ट देखिए नंबर ऑफ एनिमल्स बहुत इजी है फर्स्ट लाइन की फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड लाइन की सेकंड थर्ड लाइन का थर्ड स्टेटमेंट बनेगा इसमें कुछ नहीं करना है आपको जहां लेफ्ट आ जाता है वहां माइनस होता है ध्यान रखिएगा ऑल टुगेदर टोटल हो तो प्लस होता है लेफ्ट आगे मीन्स माइनस एग्जाम में तो आपको कैसे पता लगेगा कि मैम ने प्लस दिया है कि माइनस की वर्ड प्रॉब्लम दी है वर्ड प्रॉब्लम से बनेगी नंबर ऑफ से क्लियर बट लेफ्ट आगे तो आप समझ जाना कि हमें माइनस करना है नंबर ऑफ को लिखना आपको आ भी गया होगा बट लेफ्ट आ गया तो माइनस करना है कितने उसके पास रुपए हैं कितने टोटल बच गए तो प्लस होगा क्लियर चलिए देखिए अब माइनस करेंगे 6 माइनस 9 अब ऊपर
1 2 3 4 5 6 7 8 9 कट कर दिए, कितने बच गए 1 2 3 4 5 6 7 क्लियर। अब 3 में से टू गए 1, तो क्या आएगा आंसर 17 एनिमल्स, 17 एनिमल्स आर लेफ्ट। क्लियर, आगे में समझ में आपको व्हाट प्रॉब्लम, जब फुल स्टॉप आ जाएगा वो फर्स्ट लाइन होगी, सेकंड फुल स्टॉप आएगा वो सेकंड लाइन होगी, थर्ड फुल स्टॉप आएगा क्वेश्चन मार्क्स आएगा वो थर्ड लाइन होगी। ओके बेटा, थैंक यू।